दोस्तों, अगर आप एक न्यू YouTube क्रिएटर से तो आपके लिए ये जो अपडेट आया है, इस अपडेट के बारे में 101% जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों देखिए, रिसेंटली एक YouTube की तरफ से एक मेल किया गया है, लेकिन ये जो मेल आया है ज़्यादातर मतलब बड़े क्रिएटर्स को ये मेल किया गया है, लेकिन टारगेट क्या है, जो छोटा क्रिएटर्स है इन लोगों को खास करके टारगेट करके मेल भेजा गया है। तो दोस्तों ये क्या मेल आया है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन रिकॉर्ड की माध्यम से। यहाँ पर आप ज़रा गौर से देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मेरे पास दो YouTube चैनल है। एक मेरा पुराना चैनल है जिस चैनल से मेरा अर्निंग हो रहा है, और जिस चैनल पर मैं अभी ये वीडियो आप देख रहे हो ये मेरा नया चैनल है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर इस अपडेट पर जो भी अपडेट आने वाले हैं और इस अपडेट पर क्या बताया जा रहा है। अगर आप एक न्यू क्रिएटर से तो आपको जानना 101% ज़रूरी है। सो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड जो है मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर आप ज़रा फॉलो कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ईमेल ओपन करता हूँ। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि YouTube 10 अक्टूबर एक मेल मेरे पास आ चुका है। ये जो मेरा पुराना चैनल है उस चैनल की ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया है। तो मैं ये मेल सिंपली ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन यूट्यूब हैंडल्स, तो नीचे यहाँ पर देखिए हेलो वी आर राइटिंग टू लेट यू नो डेट ओवर द कमिंग वीक्स यूट्यूब विल बी इंट्रोडक्शन हैंडल टू मेक इट। यहाँ आप देख सकते हैं, और बाकी सारा कुछ आप ज़रा एक बार रीड आप तो नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मेल भेजा गया है तो आप तो रीड कर सकते हैं, और आपको ज़रूर पता होगा कि इस मेल पर क्या मतलब बात कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ईमेल पर वही बात कहा गया है, जैसे कि मैं नीचे एक और ज़रा आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ऑन नवंबर 14, 2022, यानी कि नवंबर जो महीने हैं उस महीने की 14 तारीख ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बात करते हैं कि आखिर ये मेल क्यों भेजा गया है और आपको जानना क्यों इतना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, YouTube को पता चला है कि YouTube जो एक एक जब आप चैनल ओपन करते हैं तो उस टाइम काफ़ी जो बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स के नाम से न्यू क्रिएटर्स मतलब ज़्यादातर स्कैम करते हैं, यानी कि बड़े क्रिएटर्स जो भी नाम होता है, मान लीजिए मैं उदाहरण तौर पर टेक्निकल योगी मनोज दे, तो इसी नाम से एक एक मतलब चैनल क्रिएट कर लेते हैं, उसी को वीडियो किसी दो चार वीडियो अपलोड भी करते हैं। और जब इन लोगों ने कहता है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है मनोज दे मान लीजिए या टेक्निकल योगी, तो लोग क्या करते हैं कि लोगों तो पता नहीं चलता है, लोग YouTube पर जाकर सर्च करता है मनोज दे, तो एक्चुअली जो मनोज दे का जो चैनल है, मनोज दे का चैनल लोग नहीं मतलब देख पाते हैं, जो मतलब फेक आईडी होता है, फेक आईडी ऑडियंस देख लेते हैं। तो ये मतलब ये चीज़ YouTube ने देख कर ये जो अपडेट भेजा गया है, यानी कि ये जो मेल भेजा गया है, इस मेल पर कहा गया है कि मतलब यहाँ देखिए कि स्टार्टिंग ऑन नवंबर 14, 2020, यानी कि इस डेट से YouTube की जो मतलब कस्टम URL होता है, कस्टम URL अगर आपने पहले से बना लिया है तो अच्छी बात है। और दोस्तों देखिए, YouTube की जो कस्टम URL है, कस्टम URL तब आपको अप्लाई करना होता है जब आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होता है, तब जाके ये आप अप्लाई कर सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो डेट यहाँ पर मेंशन किया गया, उस डेट के बाद में अगर आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर्स है तब भी दोस्तों आप एक कस्टम URL बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंस्टाग्राम की जो आईडी होता है, तो सबसे पहले @ होता है, या ट्विटर की आईडी जो होता है @ होता है। तो इसी तरह दोस्तों एक यूनिक मतलब यहाँ पर हैंडल जो है, जैसे कि ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल कहा जाता है, तो सेम इसी तरह मान लीजिए मेरा जो चैनल है, पुराना जो चैनल है, चैनल का नाम जो है डिजिटल शाहिद पॉइंट, तो यहाँ मतलब क्या अपडेट आएगा, जैसे कि ये जो नाम है मेरा पुराना जो चैनल है, चैनल की फास्ट @ आएगा, क्योंकि जब @ यहाँ पर मेंशन किया जाता है ना, उस टाइम क्या होता है कि ये एक यूनिक हो जाता है। अगर किसी ने चाहता है कि मेरा जो पुराना चैनल है इस नाम से एक मतलब YouTube चैनल ओपन करना है, तो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो अपडेट है बिल्कुल मतलब
न्यू क्रिएटर्स के लिए काफ़ी घाटिया है, क्योंकि अगर आप भी इसी तरह काम करते हो जैसे कि किसी पुराना एक बड़े यूट्यूबर जो होते हैं, यूट्यूबर्स की जो भी चैनल का नाम होता है, इस नाम से अगर आपने बना लिया है तो सबसे पहले आपके जो चैनल है चैनल का नाम आप चेंज कर लीजिए, तो भी जाके दोस्तों आपकी मतलब फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक तो चेंज नहीं किया है तो चेंज जल्दी से जाके कर लीजिए, तो अब जाके दोस्तों आपको एक यूनिक आईडी मिलता है। अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों जिस बंदे की मतलब यूट्यूब चैनल के नाम से आपने नाम रखा है तो वह मेन जो चैनल है मेन चैनल यूनिक होता है और आपकी जो नाम है बिल्कुल यूनिक नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट आप लोग को मैंने दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे इस चैनल के ऊपर मैं जनरल वीडियो अपलोड करता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है।